सो फ्रेंड, आज का जो हमारा फर्स्ट वर्ड है वो है अंगूठेदार चप्पल। अंगूठेदार चप्पल जो कि कुछ इस तरह से दिखती है, इसे हम इंग्लिश में बोलेंगे फ्लिप फ्लॉप्स, फ्लिप फ्लॉप्स। और चप्पल, चप्पल को हम इंग्लिश में बोलेंगे स्लीपर्स, स्लीपर्स यानी कि चप्पल। नेक्स्ट वी हैव मोची, मोची मोची को हम इंग्लिश में कॉबलर बोलते हैं, कॉबलर यानी कि मोची। और इसके लिए हमारे पास एक और वर्ड है शूमेकर, शूमेकर इसका मतलब भी मोची होता है। और हमारा नेक्स्ट वर्ड है जूते की दुकान, जूते की दुकान जहाँ पे शू वगैरह बिकती है इसे हम बोलेंगे शू शॉप, शू शॉप। और इसे हम इंग्लिश में शू स्टोर भी बोल सकते हैं, शू स्टोर यानी कि जूते की दुकान। नेक्स्ट वी हैव शूज़, जूते, जूते को हम इंग्लिश में शूज़ बोलते हैं, शूज़ यानी कि जूते। एंड नेक्स्ट वर्ड है हमारा खेल वाला जूता, खेल वाला जो जूता होता है उसे हम इंग्लिश में बोलते हैं ट्रेनर, स्नीकर, स्नीकर। और एक और वर्ड है हमारे पास ट्रेनिंग शूज़, इन तीनों का हम यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट वी है चमड़े का जूता, चमड़े का जो जूता होता है कुछ इस तरह से, इसे हम इंग्लिश में बोलते हैं लोफर्स, लोफर्स यानी कि चमड़े का जूता। और इस तरह के चमड़े के जूतों को हम इंग्लिश में कहते हैं ब्रॉक्स, ब्रॉक्स। और नेक्स्ट वर्ड है हमारा पंख जैसा रबड़ का जूता, इसे पहन के स्विमिंग वगैरह की जाती है तो इसे हम इंग्लिश में बोलेंगे फ्लिपर्स, फ्लिपर्स। रबड़ का जूता जो कि कुछ इस तरह से दिखता है इसे हम इंग्लिश में बोलेंगे रबर बूट्स, रबर बूट्स। और इसे हम इंग्लिश में बोल सकते हैं वेलिंगटन्स, इसे यूके में बोला जाता है। और ऊंचा जूता, इसे हम इंग्लिश में बोलेंगे बूट्स, बूट्स यानी कि ऊंचा जूता। नेक्स्ट वर्ड है चरवाहा के जूते, काउबॉय बूट्स, काउबॉय बूट्स यानी कि चरवाहा के जूते। नेक्स्ट वी है घुटने तक का जूता, घुटने तक का जो जूता होता है उसे इंग्लिश में बोलते हैं नी हाई बूट्स, नी हाई बूट्स यानी कि घुटने तक का जूता। टखने तक का जूता, इसे हम इंग्लिश में बोलेंगे एंकल बूट्स, एंकल बूट्स। नेक्स्ट वी हैव रोलर स्केट, इसे हम इंग्लिश में बोलेंगे रोलर स्केट्स, रोलर स्केट शूज। नेक्स्ट वी हैव ऊनी जूते, ऊनी जूते छोटे बच्चों को पहनाए जाते हैं, इसे हम इंग्लिश में बोलते हैं बूटीज, बूटीज यानी कि ऊनी जूते। सैंडल, सैंडल को हम इंग्लिश में सैंडल ही बोलते हैं, सैंडल इसका मतलब सैंडल ही होता है। नेक्स्ट वी हैव स्की बूट, इंग्लिश में भी हम इसे स्की बूट्स ही बोलेंगे, स्की बूट्स इसका मतलब हिंदी और इंग्लिश में हम इसे स्की बूट्स बोलेंगे। कुछ इस तरह की एड़ी वाला जूता, इसे हम इंग्लिश में बोलेंगे किटन हील्स, किटन हील्स। नेक्स्ट वी हैव औरतों का जूता, इसे हम इंग्लिश में बोलेंगे फ्लैट्स, फ्लैट्स। इस तरह की जूती को फ्लैट्स बोलेंगे, नुकीली ऊँची एड़ी वाली जूतियाँ, इसे हम इंग्लिश में बोलेंगे स्टिलेटोज, स्टिलेटोज। और इसके लिए हमारे पास एक और वर्ड है स्पाइक हील्स, स्पाइक हील्स। नेक्स्ट है औरतों का जूता जो कि कुछ इस तरह से होता है, इसे हम इंग्लिश में बोलेंगे वेड्स, वेड्स यानी कि औरतों का जूता। और औरतें के इस तरह के जूते को हम इंग्लिश में बोलेंगे स्लिंग बैक शूज, स्लिंग बैक शूज इस तरह के जूता। बैलेट शूज, इसे पहन के डांस वगैरह किया जाता है, बैलेट जूते, इसे हम इंग्लिश में बोलेंगे बैलेट शूज। नेक्स्ट वी हैव आरामदायक जूता, मोकेसिंस, मोकेसिंस यानी कि आरामदायक जूता। नेक्स्ट वी हैव पट्टा जूता, जिसमें कुछ इस तरह के पट्टे लगे होते हैं, इसे हम बोलेंगे मॉन्क शूज, मॉन्क शूज। और इसके लिए हमारे पास एक और वर्ड है मॉन्क स्ट्रैप शूज, मॉन्क स्ट्रैप शूज यानी कि पट्टा जूता। नेक्स्ट वी हैव लकड़ी का जूता, इसे हम इंग्लिश में बोलेंगे क्लॉक्स, क्लॉक्स यानी कि लकड़ी का जूता। नेक्स्ट वी हैव जूते का तस्मा, जो जूते की फीता होती है उसे हम इंग्लिश में बोलेंगे शू लेस, शू लेस। और इसके लिए हमारे पास एक और वर्ड है शू स्ट्रिंग, शू स्ट्रिंग यानी कि जूते का तस्मा, जूते का तलवा, इसे हम इंग्लिश में बोलेंगे शोल, शोल यानी कि जूते का तलवा। नेक्स्ट वी हैव सिगड़ा, इसे हम बोलेंगे इंग्लिश में शू हॉर्न, शू हॉर्न यानी कि सिगड़ा। नेक्स्ट वी हैव जूते की एड़ी, इसे हम इंग्लिश में बोलेंगे हील, हील यानी कि जूते की एड़ी। नेक्स्ट वी है सुराख, इस तरह के जो सुराख होते हैं जूते में जिसमें से शू लेस डाली जाती है, इसे हम इंग्लिश में बोलते हैं आईलेट, आईलेट। सो फ्रेंड, आज की वीडियो कैसी लगी? पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। कल फिर मिलती हूँ इसी तरह के एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, कीप वॉचिंग एंड कीप प्रैक्टिसिंग।